रायबरेली के उचाहार में करीब एक दशक से चल रहे जमीनी विवाद में एक युवक की चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे चौराहे पर दहशत फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव बाबा का पुरवा का है। गांव के रहने वाले चमनलाल लोधी 30 वर्ष का करीब एक दशक से अपने पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। चमनलाल भवन निर्माण में शटरिंग लगाने का काम करता था। सोमवार की देर शाम वह काम से वापस लौटा और बाबा का पुरवा चौराहे पर एक दुकान पर अंडा खा रहा था। उसी समय तीन लोगों ने उसे गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही गिर गया। उसके बाद पूरे चौराहे पर भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे कोतवाल ने उसे जगतपुर CHC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। सर, एक युवक को गोली मारी गई, क्या मामला है? ये अभी रात्रि 8:30 के आसपास की सूचना है कि एक युवक चमन लोधी, जो यहीं पास के गांव के रहने वाले हैं, वो अपने 2 सालों के साथ यहाँ अंडे के ठेली के पास खड़े थे, शटरिंग काम करते हैं बगल में, वो रिलैक्सिंग के वहाँ खड़े थे। गांव के पीछे से तीन व्यक्ति आए, तत्काल CHC ले जाया गया, लेकिन वहाँ उपचार के दौरान अभी घर वालों से बात करके तहरीर प्राप्त की जा रही है। और जो भी उन्होंने जमीनी विवाद के बारे में बताया है, विवाद से चल रहा था, पूछताछ की जाएगी और इसमें अभी मुख्य कार्रवाई FIR दिखा करके की जाएगी।